मैं तो राइट हैंडर हूं, इसलिए मैं काफी चीजें लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो जिस तरह की उम्र भी बनती है, तो कभी-कभी उम्र में अगर आपको अगर कोई अनफॉर्चुनेट कुछ एक्सीडेंट वगैरह बन गया तो आपके दाएं हाथ के लिए कोई तकलीफ होगी, तो फिर बाएं हाथ इस्तेमाल करने के लिए अगर आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं तो बाएं हाथ से काफी कुछ कर लेता हूँ, जैसे कि शेविंग करता हूँ तो बाएं हाथ से करता हूँ, सुबह में उठकर और शाम को सोने के पहले जब ब्रशिंग करता हूँ, टीथ की, दांतों की ब्रशिंग करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड से काफी कोशिश करता हूँ। तो काफी चीजें मैं लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्वेतक, कई चीजें इन्होंने हमें बता दी हैं सनी भाई ने, जो हमें खुद हाँ सीखनी है, मतलब सचमुच। गाने कैसे बढ़ाने हैं ट्रेनिंग करते हुए, उसके अलावा लेफ्ट हैंड की बात हो रही थी। लेकिन सनी भाई, इस दौरान कुकिंग वगैरह का जिम्मा घर में आप पर था या फिर भाभी ही बनाती थी? तो हम दोनों कुकिंग नहीं कर रहे, लकीली और हमारे हमारे पास हेल्प है, वो बड़ी अच्छी कुकिंग करती है, बहुत बढ़िया कुकिंग होती है, बहुत बढ़िया खाना होता है, वेजिटेरियन सारा खाना, और उसी की वजह से थोड़ा सा वेट भी थोड़ा सा कम हो गया। तो कुकिंग तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो आती नहीं। बस बस सिर्फ एक ही चीज जिसमें मैं अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझता हूँ, वो है अगर वो जो टी बैग की जो चाय बनती है ना, वो टी बैग जी चाय जिस तरह से मैं बनाता हूँ ना, उससे और कोई नहीं बना सकता। उसमें तो मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ डेफिनेटली। तो आपको इसमें अगले तो बार, अब तो आपको मैं अगले उम्मीद बार कर पिलाऊंगा रही हूं कि टी बैग चाय। श्वेता और मैं हाँ दोनों चाय के बहुत शौकीन हैं। और श्वेता, आपको याद होगा, बिल्कुल सनी भाई को पता नहीं याद कि नहीं, जो हमने हाँ पहला सलाम सचिन किया था मुंबई में, ये बात है 2013 की, और वहां पर भी सनी भाई अपने लिए चाय बना रहे थे और हम दोनों गए, हमने भी कहा सनी भाई हम भी चाय के बहुत शौकीन हैं, जी। तो मुझे याद है सनी भाई ने कहा था हट जाओ चाय मैं बनाता हूं, और जबरदस्त चाय हमने पी थी। आपको हमने तस्वीर भी खिंचाई थी, मुझे याद है। देखा, हाँ हाँ तो हाँ फिर आप मुझसे सहमत है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ टी बैग आप चाय बनाने हैं, में? आप वैसे भी वर्ल्ड चैंपियन हैं, पहले वर्ल्ड हाँ चैंपियन 1983 और इसमें भी आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। जी हाँ, अभी उसके लिए 10 दिन अच्छा बाकी सनी है भाई, हम उसकी लोग एनिवर्सरी जैसे के हम लिए। लोग आपके आपके मैचेस हम लोग पुराने आपके देखना पसंद करते हैं, हम लॉकडाउन का समय भी इस्तेमाल हो जाता है अच्छे से, लेकिन आप अपने पुराने मैचेस को देखते हैं अब? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट ही है नहीं, बहुत कम। किसी ने अगर कुछ भेजा तो मतलब एक क्लिप बनती है कुछ 5-10 मिनट की, वो शायद कभी कभी देख लेता हूँ, पर पुराने मैचेस बिल्कुल नहीं देखता हूँ कोई एक्चुअली, खास वजह क्योंकि इसकी? अगर सही बात बतानी है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे क्रिकेट ये जो खेल है काफी बोरिंग गेम लगता है, तो उसे देखने में मुझे इतना मजा भी नहीं आता। अब काम करना है तो कमेंट्री करनी पड़ती है, पर क्रिकेट वैसे काफी बोरिंग है। और ये हमें ये कहना होगा कि आजकल जो क्रिकेट बनता है वो तो काफी एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, इसलिए आजकल जो बनता है तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिलचस्प लगता है, क्योंकि वहां पे बड़े शॉट्स खेले जाते हैं, बड़े आप जिस तरह की आप बैटिंग देखते हैं, जिस तरह की बॉलिंग में वैरायटी भी आ गई है, मतलब अलग अलग गेंदे, नकल बॉल देखे, दूसरी दूसरा देखे, बैक बैक ऑफ द हैंड, स्लो डिलीवरी, स्लो बाउंसर वगैरह देखे, तो जिस तरह से क्रिकेट डेवलप हो गई, जिस तरह से अभी एंटरटेनिंग बन गई है, वैसे शायद पुराने दिनों में एंटरटेनिंग नहीं थी, इसलिए शायद पुराने